Assalamualaikum, कैसे हैं आप सब। मैं जुलेखा अरफान, जुलेखा किचन से। तो चलिए आज बनाते हैं चिकन के डोनट्स। बढ़िया से मजेदार बनते, बाहर से क्रिस्पी, अंदर से एकदम सॉफ्ट जूसी। तो चलिए बनाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज की रेसिपी, साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की। चलिए, ये है आधा किलो चिकन बोनलेस, धोई हुई है। 10-15 मिनट के लिए नितान्य छन्नी पर साइड पर रख दिया था। जब 10-15 मिनट हो जाए तो हाथों की मदद से हल्का हल्का निचोड़ कर मिक्सर जार के अंदर डालते जाएं। अच्छा, मैं डायरेक्ट एक ही बैच कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो दो दो बैच में भी कर सकते हैं। प्रेफरेबली आप दो बैच करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अच्छा पिसाएगा भी। अच्छा, यहाँ पर मैंने छोटी छोटी बोटियाँ आप देख सकते हैं वैसा किए। यूजुअली मैं हमेशा क्या करती हूँ, कीमे का ही करती हूँ, मुझे वो प्रेफर वैसा अच्छा लगता है क्योंकि उससे जल्दी पीसा जाता है, इसमें हल्का सा टाइम लगता है। बट ये आपके ऊपर है, कोशिश कीजिएगा कीमा हो तो ज़्यादा बेटर है। इसमें डाल दीजिए 4-5 कली लहसुन की, 1-2 हरी मिर्चियाँ अपने स्वाद अनुसार, हरी मिर्चियाँ बारीक काट कर, 1 मीडियम साइज़ की प्याज मोटी मोटी कटी हुई, कोथमीर बारीक कटी हुई। यहाँ पर 1 आलू मैंने उबाल लिया था और इसे रफली चॉप करके डाल दिया। 1 छोटा चम्मच नमक डाल दीजिए, 3/4 या 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैंने 3/4 डाला है, 3/4 या 1 छोटा चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच भुना पिसा हुआ जीरा पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 ब्रेड को हाथों की मदद से ऐसा पीसेस करके डाल दीजिए। 1 टेबलस्पून असली घी डाल दीजिए, या फिर तेल या फिर मक्खन, मतलब मस्का भी डाल सकते हैं, और इसे ढककर बहुत अच्छा बारीक पीस लीजिए बिना पानी डालकर। मैं सारा एक ही टर्न में कर रही हूँ, आप चाहें तो दो हिस्सों में इसे पीस सकते हैं। अब आप दो हिस्सों में कैसे करेंगे, तो आधा जो सारा इंग्रेडिएंट्स है एक बार पीसे और दूसरी बार आधा इंग्रेडिएंट्स आ रहा है वो पीस कर फिर दोनों को एक बड़े से बर्तन में निकाल कर मिक्स कर लीजिए। मैंने एक ही में सारा पीस लिया, अब इसे मैं एक बड़े से बर्तन में निकाल लेती हूँ अच्छे से। इस स्टेज पे ये मैनेजेबल नहीं होगा, जी हाँ, तो आप इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे ना तो थोड़ा सा ये पकड़ लेगा, इसका बॉडी आ जाएगी इसके अंदर, सो दैट उसके बाद फिर आप इसे वार सकेंगे। लेकिन अगर आप यही समय पे मैनेज कर सकते हैं तो आप कंटिन्यू कीजिए यहीं से, पर मैं आधे घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख देती हूँ। चलिए, आधा घंटा हो गया है, कीमा मैनेजेबल हो गया है, तो मीडियम साइज़ का पोर्शन लीजिए, थोड़ा सा हाथों को तेल से ग्रीस कर लीजिए और ऐसी एक मीडियम साइज़ की पैटी बना लीजिए, एकदम बड़ी भी नहीं एकदम छोटी भी नहीं। नीचे मैंने बटर पेपर रखा है क्योंकि उठाने के लिए आसानी होगी। ये देखिए, एकदम मोटी भी नहीं बना रही हूँ, एकदम पतली भी नहीं। अब है ना, आपके पास छोटी वाटी हो उसे उल्टा कर इसे एज अ स्टेंसिल यूज़ कीजिए, लेकिन मेरी एकदम परफेक्ट बनी है तो मैं इसको फिर से आपको दिखाने के लिए चपटा करती हूँ, सो दैट वो उसका एक्स्ट्रा निकलेगा तो एकदम परफेक्ट आपको शेप दिखेगा उसका। लेकिन मेरी एकदम परफेक्ट साइज थी। अभी इस तरीके से आप उल्टा करके इसको शेप दे दीजिए और साइड का जो है वो सारा निकाल दीजिए। तो ये हमारा साइड का तो राउंड शेप आ गया। अब बीच के लिए हमारे पास ऐसी होती है ना प्लास्टिक की छोटे छोटे ढक्कन, इस तरीके से बीच में डाल दीजिए और इसे अच्छा निकाल लीजिए। तो ये बन गई हमारी एक डोनट। इसी तरीके से आप चाहें तो सारे बना सकते हैं। चलिए, सारों को साइड पर रख देती हूँ मैं। बटर पेपर पे ही बनाइएगा और बटर पेपर के ऊपर ही रखिएगा, आसानी रहेगी आपको निकालने के लिए भी। अब ये जो पाइपिंग बैग आती है या फिर प्लास्टिक की बैग भी चलेगी, उसमें डाल दीजिए और उसका 1 इंच जितना उसको काट दीजिए, उसका जो एज है ये देखिए, और इसे इस तरीके से राउंड शेप देते जाइए। थोड़ा सा मैं तेल नीचे लगा रही हूँ, बस इसी तरीके से आप इसे राउंड शेप देते जाएं और ये बन गया हमारा डोनट। अच्छा, आप चाहें तो एज एंड जब आप करते हो तो कैची से भी काट सकते हो, जैसे देखिए मैं आप जो बता रही हूँ इस तरीके से भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास ये पाइपिंग बैग ना हो तो आप क्या कीजिए, अरे हम जो दूध की जो सुबह में पैकेट्स आते हैं उसे धोकर उसे काटकर उसे ले लीजिएगा। जैसे हम मेहंदी का कोन बनाते हैं, बस मेहंदी के कोन में हम सुराख छोटा सा करते हैं, इसमें 1 इंच जितना आपने सुराख करना है तो एकदम परफेक्टली बन जाएगी। या फिर आप प्लास्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ एजेस है आपको लगे तो थोड़ा सा तेल की मदद से है ना उसे ब्लेंड कर दीजिए। ये देखिए ऐसा, तो वो जो प्रॉब्लम है आपको दिख रहे हैं जो उठे उठे से, वो भी सारे बराबर से हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आप चाहें तो ये दूसरा तरीका है, ऐसे ही सारे बना लीजिए और साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से आप चाहें तो ये वाले मेथड से सारे बना लें या फिर पहले वाले मेथड से बना लें। मैं आपको तीसरा वे भी बता देती हूँ जो मेरा पर्सनल फेवरेट है। मैंने उसी तरीके से हाथों को तेल से ग्रीस किया और एक पैटी बना ली, ना ही पतली ना ही मीडियम, और इस तरीके से उंगली की मदद से मैंने उसको बीच में सुराख कर लिया। जब होल हो गया तो इसका मतलब ये डोनट बन गया। इसी तरीके से मैंने सारे बना लिए, तो आप देख सकते हैं वो ऊपर वाले मैंने जो बनाया ये वो है और वो वाले जो मैंने पाइपिंग बैग से बनाए थे ये हैं। अब इसे 1 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दीजिए। हाँ,
एक प्याले में एक या दो अंडा डाल दीजिए, और मैं दो डाल रही हूँ, उसमें 3-4 टेबल स्पून दूध डाल दीजिए, हल्का सा नमक डालकर इसे फेंट कर इसे साइड पर रख दीजिए। ब्रेड क्रम्स भी एक प्याले में निकाल लीजिए। अब हम लास्ट स्टेप कर लेते हैं। 1 घंटे के बाद आपने फ्रीजर में से निकाल लिया। अब एक हमारा चिकन डोनट लीजिए, देखिए बटर पेपर था तो कितनी आसानी से निकल गया। अब ये जो अंडे के अंदर उलट पलट करते हुए अच्छे से डिप कीजिए, और उसके बाद इसको बहुत अच्छे से वेल कोट कीजिए चारों ओर से, और बीच में से भी कीजिएगा ब्रेड क्रम से, और ये बन गया हमारा परफेक्टली एक चिकन डोनट। अच्छा, अब ये मैं आगे इसे स्टोर करने वाली हूँ, तो इसके लिए मैंने फ्रीजर में डाला था 1 घंटा, लेकिन अगर आप इसी समय फ्राई करना चाहते हो तो फ्रीजर के बजाय फ्रिज में डालकर उसे रहने देना 1 घंटा, और उसके बाद ये वाला प्रोसीजर करना। चलिए इसी तरीके से आप सारे बना लीजिए और साइड पर रख दीजिए। स्टोर करने के लिए एक एयरटाइट कंटेनर लीजिए, नीचे बेस पर बटर पेपर रख दीजिए, और इस तरीके से जो हमारी डोनट्स है ये सारी नीचे लगा दीजिए। उसके बाद फिर से आप बटर पेपर रखिए, इसी तरीके से फिर से एक लाइन पूरी डोनट्स की लगा दीजिए, और इसे ढक कर फ्रीजर में रख दें। 1 महीने तक रख के आप खा सकते हैं। आपके पास एयरटाइट कंटेनर ना हो तो आप जिप लॉक बैग में भी इसी तरीके से करके फ्रीजर में रख के 1 महीने तक खा सकते हैं। मैं नेक्स्ट डे तल रही हूँ, तो तेल फास्ट आंच पर गरम कर लीजिए। जब अच्छा गरम हो जाए तो मीडियम आंच कर दीजिए, और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बोलकर हमारी जो चिकन ये है डोनट्स, ये 3-4 एट ए टाइम डालें। मैं स्लो से मीडियम आंच के दरमियान रख रही हूँ। 1-2-3 मिनट हुए तो पलट दीजिए, और इसे उलट पलट करते हुए 6 से 7 मिनट तक इसे पका लीजिए, क्योंकि चिकन पकी हुई नहीं है ना, तो बाय द टाइम आप 6-7 मिनट पकाएंगे ना, तो अंदर से भी पक जाएगी, बाहर से भी लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। जब बाहर से लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए और 6-7 मिनट हो जाए, तो इन्हें निकाल लीजिए। टिश्यू पेपर पे मत रखिएगा, थोड़े से फिर नरम पड़ जाते हैं, आप डायरेक्टली छन्नी के ऊपर इसे रख दीजिए, और इसी तरीके से सारे फ्राई कर लीजिए। 6-7 मिनट में तो अंदर से भी गल जाएंगे और बाहर से लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, और अच्छे से क्रिस्पी भी रहेंगे। ये सारे बना लिए, ये देखिए पाइपिंग बैग वाले कितने परफेक्टली बने हैं, सारे ही अच्छे बनते हैं। ये देखिए कितने क्रिस्पी हैं, माशाल्लाह आप देख सकते हैं। मैं आपको एक तोड़कर भी दिखा देती हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये देखिए कितने बढ़िया से लग रहे हैं, और कितने आसानी से टूट गया, और टेस्ट में क्या बढ़िया लग रहे हैं, अंदर से एकदम सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी क्रिस्पी मज़ेदार लग रहे हैं। अच्छा, हरी मिर्चियाँ या स्पाइसी वाली जो भी चीज़ें हैं वो सारे अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। हाँ, तो कैसी लगी आज की रेसिपी, है ना मजेदार? अच्छा, जो चटनियां वगैरह की रेसिपी लिंक्स है ना, मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगी, आप वहां चेक कर लीजिएगा। और रेसिपी अच्छी लगी ये वाली तो जरूर कीजिए ये वाली वीडियो को लाइक, और बहुत ज्यादा अच्छी लगे अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसके लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। और अगर आप बनाए तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाजिर होंगे एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर ब्लॉग के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।